भाई आप मान सकते हो? अरे सुनो, मैं ले जा रहा हूँ नए रास्ते से जहां से अभी कोई भी नहीं गया और भाई। एक बार टाइम बताओ कितना टाइम लगेगा? अरे टाइम सिर्फ 3 घंटे भाई। मैं तो इतना किस्मत खुश हूं ना भाई। भाई, हमने एक ही बात बोली, हर हर महादेव, और कुछ नहीं निकला मुंह से। ये भगवान ने एंट्री करा दी भाई। हम लद्दाख के नए रास्ते से जा रहे हैं, अभी कोई नहीं गया इस रास्ते से। ये देखो, वाओ वाओ वाओ, आगे गाड़ी खड़ी हुई है। एक साले रोक ना ले, वो इतनी खुशी में फिर दुख में ना बदल जाए, थोड़ी देर में खुशी नहीं मना रुकेंगे, लेंगे। नहीं रुकेंगे। अभी अभी खुशी नहीं मनाते, ठीक है? ओ भाई, नया रोड, नया फील। भाई इसमें सबसे बड़ा फील पता क्या है कि हमारे इतने घंटे बच रहे हैं। हम 7-8 घंटे में ले पहुंचते जहां हम 3 घंटे में ही ले पहुंचने वाले हैं। ओए होए होए होए, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है भाई। ये भाई के दर्द हो रहा था, वो भी दूर हो गया और बिल्कुल सेट हो गया मामला इस टाइम। कतई वो वहां से आए हैं हम, और इस साइड को चढ़ेंगे। और भाई काफी खुला रोड बनाया है यार, काफी खुला डुल्ला रोड है ये। वी आर द वन। हाँ बीआरओ ब्रो, बीआरओ ने तो बस गा पाया हुआ है पूरा पूरा। वाओ फैक्टर है भाई, प्रॉपर वाओ फैक्टर। नए नए रास्तों के नए नए मोड़, बिल्कुल अनटच मोड़ हैं। जिनको किसी ने नहीं देखा उसको हम देख रहे हैं। ये कहते हैं भाग्य रेखा की बात होती है। भाग्य रेखा में लिखा था हमें यहाँ से जाना, तो हमें यहाँ से जाने को मिल गया भाई। भाई चौड़ा इतना है ना ये रोड, मतलब जो हम पीछे क्रॉस करके आए हैं उससे तो बहुत ही चौड़ा रोड है, और मतलब प्रॉपर वे में बन चुका है। सिर्फ इस पे चार कोल बिछना रह गया, ब्लैक इसको शेप आनी रह गई है, बाकी ये रोड बन चुका है। अब ब्लैक शेप आए ना आए, ऐसा भी रखें तो भी ठीक है, मुझे तो ऐसा ही सही लगता है। ब्लैक शेप वाले तो शहर में हम घूमते ही हैं अपने यार, यहाँ घूमने का फायदा है देखो, ठीक है? यहाँ पे हो रहा है फन पूरा। ओ यार क्या सही लग रहा है भाई, चौथा गियर डल गया मेरी गाड़ी का यहाँ पे, क्योंकि मैं मैनुअल में ही चलाता हूँ गाड़ी ज्यादा। कितना खुला है सोचो यार, इधर भी कितना चौड़ा रोड है ये, और ये भाई लाइफ लाइन बनेगा आने वाले टाइम पे। बहुत 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 सही। बीआरओ जिंदाबाद, जय हिंद। बीआरओ ने मजे बांध दिए भाई ट्रैवलर्स के तो, और हमारे तो सबसे ज्यादा बांध दिए हमें यहाँ पे परमिशन देके। ओ यस ब्रो, नाइस यार। इस अचीवमेंट को देखो, पहाड़ किस तरह से काटा है, बिल्कुल बीच में से काट के हम लोगों के लिए रास्ता बनाया है, और बिल्कुल सेफ कंडीशन में कटा हुआ है ये, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो बिल्कुल पहाड़ के बीचों बीच हम निकल रहे हैं, बिल्कुल सेंटर ऑफ पहाड़। और यार नया वाला रास्ता बहुत एडवेंचरस हो गया यार, और साथ में सबसे बड़ी बात कि जल्दी पहुंचेंगे ना, वो स्टोरी बड़ी सही हो गई है। अभी भी मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं यार व्लॉग ना बनाऊं, मन करे जा रहा है बनाए जा रहा हूँ, मन करे जा रहा है बनाए जा रहा हूँ, करे जा रहा है बनाए जा रहा हूँ। भाई खड़ी हुई हैं गाड़ियाँ गुड़ियाँ सब जगह पे खड़ी हुई हैं इसी तरह से यार। हर हर मोड़ पर ना नया व्यू है, आप कहीं भी चले जाओ, मतलब किसी भी मोड़ से आप देख लो कुछ नया देखने को मिलेगा। अब यहाँ देख लो, ये कुछ नया ही देखने को मिल रहा है। ये देखो यहाँ से देख लो, बिल्कुल नया मॉडल है कोई, जैसे अभी अभी कुछ नया बनाओ। ये देखो भाई, इस तरह से पूरी हाइट की चढ़ाई है, मतलब मेरे को बोनट ही दिख रहा है मेरी गाड़ी का, और आगे क्या है मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अभी भी नहीं दिखा, अब दिखा है। ये इस तरह से एडवेंचरस रोड है पूरा, और ये ऐसे पॉइंट 3-4 आ गए हैं अब तक। मैंने शूट अब किया है क्योंकि गाड़ी चला रहा था बहुत केयरफुली। ये देखो फिर एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे ना कुछ नहीं दिख रहा, और चढ़ाई चढ़ोगे उतरोगे कुछ और ही नज़ारा होगा भाई, ले आने वाला है मुझे लगता है। अब तो ऐसी आस लग रही है हमें भाई। कबूतर हैं यहाँ पे, अच्छा जी इतनी ठंड में। हाँ ठंड में तो कबूतर होते ही हैं यार। भाई ये पूरा क्लिफ बहुत एडवेंचरस है, बिल्कुल खड़ी उतराई है, मतलब यहाँ से वापसी कोई आएगा तो 4x4 में ही आ सकेगा, इतना डाउन है। देखो मेरी गाड़ी किस तरह से बिल्कुल डाउन में चल रही है, फुल डाउन जिसे कहते हैं, फुल डाउन, बिल्कुल थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है। पहले मैं डाउन जा रहा हूँ, और इतना डाउन देखना, कितना डाउन है। इतना डाउन जाने के बाद ना अब हाइट आने वाली है, उधर से ऊपर को भी सेम ऐसे ही चढ़ना है। बहुत सही रोड बना है यार, मतलब बीआरओ ने तो पूरा ध्यान रखा है कि हम लोगों को एडवेंचर भी मिले और व्यूज़ भी मिले और अच्छा रोड भी मिले जल्दी, जिससे कि कनेक्ट हो जाएं हम और लेह भी टाइम से पहुंच जाएं। हर चीज़ का कॉम्बो बन गया है ये रोड यार, मतलब कॉम्बिनेशन तो बहुत सही बना है। वो भाई गुफा छोटू सी, पहाड़ों में क्या कुछ मिलता है ना वैसे देखना, बिल्कुल छोटी सी गुफा है, कुछ नहीं पता अंदर क्या है, कहाँ जा रही है गहराई में। ओ हो भाई पूरी हाइट है। किसी टाइम पे जो वो
पंगी किश्तवाड़ किल्लड़ वाला रोड था ना, वैसा सा लग रहा है मुझे ये, सेम बिल्कुल वैसा ही डिट्टो लग रहा है। बस इसमें क्लिफ हैंगर कम है, वहां पे क्लिफ हैंगर ज्यादा था। यही रोड है भाई, इसी से आने का मन था हमारा। तो देख रहे हो मेरी आवाज से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि कितनी जान लग रही है। एक हाथ से स्टेयरिंग पकड़ा हुआ है, एक हाथ से आप लोगों के लिए ये रोड का अपडेट बन रहा है। ओए 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 मजा आ गया यार। अब चढ़ाई चढ़ी, चढ़ाई चढ़ के अब नीचे फिर उतराई उतरनी है। अब फिर उतराई उतरेगी, देखो। ओए 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 अब फिर से रोड चौड़ा हो गया, फिर से वो एक सुंदर सी उतराई आ गई। भाई बोर मत हो ना, ये रोड से बोर नहीं हो गया बिल्कुल भी, सच बता रहा हूँ। हर जगह कुछ ना कुछ नया मिलेगा, और सबसे मेन एक्साइटमेंट ये है कि हम पहले हैं जो इस रोड से जा रहे हैं। एज ए टूरिस्ट कह लो, ट्रैवलर कह लो, इन्फ्लुएंसर कह लो, क्रिएटर कह लो, जो आपका मन आए वो कह लो, बट वी आर द वन जो इसको क्रॉस कर रहे हैं। आगे आगे भाई बहुत ही एडवेंचरस है यार ये तो, कितना देखूं मैं, बहुत तेरी तगड़ा एडवेंचर है भाई, तगड़ा। एक मिनट भी मैं रोड से आंख इधर उधर नहीं कर सकता, और साथ में कैमरा भी चलाना है। देखो अब रोड ऐसा आ गया कि नदी के बिल्कुल साथ साथ हम चल रहे हैं, बिल्कुल नदी चल रही है और नदी के साथ साथ हम चल रहे हैं। फिर रोड आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, फिर उसके बाद डाउन आ जाएगा, फिर हाइट आ जाएगी, इस तरह से चलता रहेगा। बी आर ओ की मशीन्स खड़ी हुई हैं यहाँ पर सब जगह पर मुस्तैद, जहाँ पर ज़रूरत पड़े सीधा मशीन स्टार्ट की और रोड को क्लियर कर दिया। यही कंडीशन होगी मेरे हिसाब से तो यहाँ पे। ये देखो ये तो शायद एक्सीडेंटल है, इसका एक्सीडेंट हुआ है भाई ये वाली मशीन का। भाई एक और खड़ी है बट साथ में, साथ के साथ ही बैकअप, बताओ। एक और एडवेंचरस व्यू जिसमें पूरी हाइट है, जिसमें अपने को गाड़ी चढ़ानी है, और गाड़ी का आगे जाके ना बोनेट ही दिखेगा बस। ये देखो किस तरह से हाइट चढ़ रही है, ठीक है। वाओ 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 चाचा वाओ, ओ बल्ले बल्ले चाचा वाओ, हाइट ही हाइट है, अभी भी प्रॉपर हाइट है भाई, प्रॉपर हाइट। देखो ऐसे ऊपर को उठी हुई है गाड़ी पूरी मेरी, और यहाँ से यू घूमना है ऊपर को भाई साहब। घूम गई घूम गई घूम गई घूम गई, सही है भाई, बहुत बढ़िया यार। ये देखो गुफा के अंदर ना बिल्कुल ग्लेशियर जमा हुआ है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अमरनाथ जी की याद आ गई इसको देख के ना। देखना कैसे गुफा है और इसके अंदर ग्लेशियर जमा हुआ है, चेक करो। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, और ऐसा ही सेम दिखाऊं, ये देखो इधर ग्लेशियर नहीं है, इधर पानी चल रहा है। एक ही जगह पे दो रंग, ठीक है, एक ही जगह पे आपको दो रंग देखने को मिल रहे हैं। झरना ऊपर से कहाँ से आ रहा है, नो वे, कोई रास्ता नहीं है, बस अंदर से, पहाड़ के अंदर से पानी आ रहा है भाई, पहाड़ के अंदर से पानी कहाँ से आ रहा है। देखो जगह जगह पे ना बीआरओ ने अपनी गाड़ियां भी रख रखी हैं, और जगह जगह पे मशीनें भी हैं, और जगह जगह पे कैंप भी लगे हुए हैं। तो मतलब हर जगह पे ना अभी भी एक्टिवली काम चल रहा है, ऐसा नहीं है आपको लग रहा होगा रोड खाली है, रोड खाली नहीं है, जगह जगह पे लोग मिल जाएंगे आपको खड़े हुए, बैठे हुए सॉरी, जहाँ पे उन्होंने अपने डेरे बसाए हुए हैं मजदूरों ने, वो सब जगह जगह पे दिख जाते हैं। जैसे अभी हाइट हम चढ़ रहे हैं, हाइट चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, अब लद्दाख हमें लगता है कि किसी भी टाइम आ सकता है, ऐसा फील हो रहा है। ये देखो ओए होए क्या व्यू आ रहा है यार, क्लासिक व्यू नज़ारे वाला। और ये रोड ना इतना अच्छा हो गया है कि मैं यहाँ पे ना जैसे चला रहा हूँ तो मुझे फील नहीं हो रहा कि रोड नहीं है, ठीक है। बीच बीच में हाँ पथरीला था बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक हो गया है। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो काफ़ी रोड अच्छा हो गया, मैं 60 से ऊपर की स्पीड पे भी गाड़ी बड़े आराम से चला पा रहा हूँ यहाँ पे, तो 60-70 तो आराम से चल सकती है। बट हाँ इससे ज़्यादा मत चलाना क्योंकि ब्रेकिंग में दिक्कत आएगी, बज रही है ना गाड़ी, स्किड हो सकती है, इधर उधर जा सकती है, तो सेफ सेफ जाओ, बढ़िया है यार। ये एज देखना कितना सही एज है यार, ये इस टाइम पे बहुत प्यारा एज है। इधर गुफा है इस तरफ इसके, इधर से रोड है ऊपर चढ़ने के लिए। ये देखो ये गुफा है इधर, ये देखो इधर नदी आ रही है भाई उधर से, अंदर ही हिडन जेम्स है भाई यहाँ पे बहुत। हम तो सीधा सीधा जा रहे हैं, अगर कहीं पे रुकते ना तो मैं आपको दिखाता। और ये देखो भाई जेसीबी खड़ी है ना जैसे यहाँ पे, इसी तरह से आगे इनकी पॉकलेन भी खड़ी है, पॉकलेन कह लो या जो भी कह लो मुझे नहीं पता। यहाँ पे बेसिकली इनके संद खड़े हुए हैं, संद मतलब टूल्स हैं इनके पास, कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो ये साथ के साथ उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और रोड
बहुत गुड कंडीशन रोड है, वेरी वेरी गुड कंडीशन। कहीं जैसे चौड़ा रोड खत्म होता है ना तो ऐसे छोटा रोड आ जाता है, यहाँ पे उतराई है जैसे, ठीक है, तो ये छोटा हो जाता है। देखो यहाँ पे बिल्कुल ही छोटा है, टायर निकालने की ही जगह है यहाँ पे। और ये वैली, यहाँ से एक और कोई नई वैली स्टार्ट होगी लगता है। बस ये तो फिर भी थोड़ा चौड़ा है, कई जगह तो बिल्कुल छोटा रोड आ जाता है। वर्किंग करते हुए कर्मचारी हैं ये, इनके साथ थोड़ा आराम से खड़े होके बात भी करते हैं और धूल ना उड़े इसलिए मैंने गाड़ी को स्लो कर दिया, सो दैट ये लोग आराम से क्रॉस कर सकें यहाँ से, है ना। जुले भाई हेलो, कैसे हो? ले कितनी दूर है यहाँ से? ले होगा 70-80 किलो। 70-80? हाँ। जुड़ गया ना रोड तो? हाँ। आप लोगों की वजह से ही जुड़ा है यार। हाँ। जय हिंद। जय हिंद। बहुत अच्छा लगता है। हाँ।